अजीत चहल बायर क्रॉप साइंस की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जो हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है उस पद्धति के द्वारा एप्पल की जो है खेती की जाती है वो बहुत कामयाब है। कश्मीर वैली के अंदर भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज जो हमने ये कार्यक्रम किया है ऑर्चर्डली की जो टीम के साथ में एक एमओयू साइन किया है उसके द्वारा हम जो हमारे वैली के जो ग्रोवर्स हैं एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको ये जानकारी पहुंचाएंगे, उनको ये सलाह देंगे कि किस तरीके से वो और अच्छे तरीके से हाई डेंसिटी जो पद्धति है उसके द्वारा एप्पल की खेती कर सकते हैं, जिससे उनको उनकी लागत भी कम आएगी, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। हम उनको मदद करेंगे अच्छी क्वालिटी का एप्पल उत्पादन करने में, जिससे उनको उनका मार्केट प्राइस जो है जो भाव है बाज़ार का भाव भी उनका उनको अच्छा मिलेगा। और ये एक तरीके से जो है हम पूरे जो यहाँ के सिस्टम हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो यूनिवर्सिटी हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी साथ में लेके चलेंगे, एज ए टीम हम ग्रोवर्स के भलाई के लिए काम करेंगे। मेरा नाम राख तारिक रसूल आथर है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सुकास्ट में डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में शालीमार। ये जो आपने सवाल क्वेश्चन पूछा है, देखिए एप्पल हमारा जो है बैकबोन है इकोनॉमी का, तो इसमें अगर हम हाई डेंसिटी की तरफ जाते हैं तो एचडीपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे एक बड़ा फ़ायदा एचडीपी का ये है कि इसमें आप मैकेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, इसमें आप मशीनें यूज़ कर सकते हैं। पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है एक ग्रोअर के लिए वो होती है स्प्रेइंग। अगर आपका एचडीपी है इसके एक ऐसा लेआउट होता है जिसमें आप स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर्स से स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपका ये फ़ायदा होगा इस टाइम जो आप स्प्रेज करते हैं स्प्रे मटेरियल जो है उसका तकरीबन 60% रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट 60% आपका कम हो जाएगा। आप खुद सोचें कि अगर अभी हम 100 kg स्प्रे करते हैं, 100 kg कोई फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, आपको बाद में 40 kg यूज़ करना पड़ेगा, इससे आपको एनवायरमेंट कितना एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। और साथ साथ में इसमें जो क्वालिटी हमें प्रोड्यूस मिलता है आपको एचडीपी में, इसमें आपका जो यील्ड बढ़ जाएगा, इसमें आपको सबसे मसला ग्रोअर के लिए ये है एक स्मार्ट फार्मर बन जाएगा ग्रोअर, क्योंकि उसको फिर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें वो मशीन का यूज़ कर सकता है। उसमें कन्वीनियंस है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें एचडीपी में, ये है कन्वीनियंस, ईजी है, किसी को पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ना है, आप नीचे से सब कर, आप प्रूनिंग नीचे से करते हैं, आप हार्वेस्टिंग नीचे से करते हैं। ओवरऑल जो हमारा हाई डेंसिटी सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसके साथ साथ आपका जो ये मैकेनाइजेशन है इसमें ये पॉसिबल है, तो इसके साथ जो आप वेदर बेस्ड ये सिस्टम सारा फिर रहेगा, इसमें आप डिजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।